एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बीटर डर्म से स्कार्स थेरेपी। ये ना कोई जेल है ना क्रीम है, ये एक थेरेपी है। तो ये क्रीम आपको मिलेगी 1 mg से। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अगर हम इसके MRP की बात करें तो MRP इसका थोड़ा सा हाई है। तो ये मिलेगी आपको 378 में, जो कि इसका नेट वॉल्यूम है वो है 20 ग्राम। मतलब अगर ये आपको 378 की मिलती भी है तो प्रोडक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो जैसे कि मैंने कहा ना, तो ये जेल है ना क्रीम है, तो ये किस तरह का है तो आप देख सकते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी लगा लिया, थोड़ा बहुत बचा होगा इसमें और इसलिए प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। देखिए ये कुछ इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। इस तरह से आपको करना है। और सबसे पहले मैं इसे लगाने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसे अभी निकाल लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह से अपने स्किन पर रब करना है, ठीक है। और किस में आप लगा सकते हैं इसकी बात बात करेंगे हम आगे जाके, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। इस तरह से आपको अप्लाई करना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, इसका सूखने का वेट करना है, ठीक है। मतलब कम से कम आप लगा लीजिए 15 मिनट तक आपको वेट करना है, या फिर आप आधा घंटा भी रुक सकते हैं, 1 घंटा। आपका स्किन टाइप पे हो, मतलब डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी जो है ये आपके स्किन पे एक लेयर बना देते हैं। जैसे स्किन को पिल ऑफ करते हैं ना, सेम उसी तरह से। तब जो ये सूख जाएगा ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे रब करना है। रब करोगे तो एक डस्ट टाइप की ये निकलेगी, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि मान लो जैसे हम स्किन को पिल ऑफ करते हैं तो जो डेड स्किन रिमूव होती है, सेम उसी तरह से ये क्या करेगी कि आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव होगी। तो आप इस तरह से रब करेंगे। रब करने के बाद क्या करना है आपको, इसे दोबारा से अप्लाई करना है और रात के टाइम ही आपको इसे अप्लाई करना है और सो जाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है वो फेस पे, पूरे फेस पे नहीं लगाना है आपको, सिर्फ उन जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, लाइक पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट है, या फिर आपको कोई भी कट फिट का निशान है जो डार्क हो गया, आप उसे लाइट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप सिर्फ वहाँ पे, सिर्फ उसी जगह, उसी एरिया पे आपको इसे लगाना है। उसके बाद वेट करना है, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम भी वेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप दोबारा कब अप्लाई करना चाहते हैं, 1 घंटे पे, आधे घंटे पे या 2 घंटे पे, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से क्रीम लेनी है। और नहीं, जैसे आपने लगा लिया, फिर उसके बाद आपको ऐसे डेड स्किन को रिमूव करना है जहाँ पे आपने फेस पे लगाया, रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद जो सेकेंड स्टेप करना है आपको, फिर से इस जेल को अप्लाई करना है। फिर अप्लाई करने के बाद जो है आपको बहुत इसके थिन लेयर लगानी है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसे रिमूव करना है, ठीक है। जैसे कि फेस पे है, नोज़ पे है, कहीं भी आपके फेस पे हो उस जगह पे आपको करना है। सेकेंड टाइम जब आप लगाओगे, जब उसको रिमूव कर दोगे इस तरह से रब करके तेज़ी से, मतलब बहुत एकदम से प्रेशर देके रब नहीं करना, आपकी स्किन जो है वो काली पड़ सकती है। पहली चीज़ है, इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत ही हल्के हाथों से रब करना है। दूसरी चीज़, जब आप इसे दोबारा अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही थिन लेयर लगानी है और उसके बाद सो जाना है। ये चीज़ आपको कर लेना है। एक और इसमें है कि अगर आपके फेस पे थोड़ा सा कहीं कट वट का निशान हो तो ये बहुत जलन करेगा, तो उस कट को, निशान को छोड़ के, आपकी कट का निशान है तो आपको क्या करना है, इसे उस जगह नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं तो आपको उन एक्ने को छोड़ के लगाना है। पहले अपने एक्ने सही करना है। फेंसिनोल ए जेल, क्लिन 3 जेल जो है, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, पहले अपने एक्ने रिमूव कीजिए, उसके बाद जो भी आपके फेस पे प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, कुछ भी, कोई भी कट वट के निशान होते हैं, वो सारे इससे सही होंगे। लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एकदम से रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे और ये एकदम से लगता है। इसके कंपोजिशन के, तो कंपोजिशन में इसमें कुछ इस तरह के कंपोजिशन है जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुने, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे दिखी, इसमें इसका जो साइंटिफिक नेम है उससे मैंने पहचाना, इसमें गोटूकोला है, जो कि मैंने कोजी केयर की क्रीम का रिव्यू किया था। एक्चुअली वो क्रीम, जैसे मैंने अंडर आर्म क्रीम का रिव्यू किया था और एक मैंने नेक फार्मिंग क्रीम का रिव्यू किया था, तो उन दोनों में से एक में गोटूकोला प्रेजेंट था, जो कि एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें मुझे यही दिखा जो मैं जानती थी, जिसे जो कंपोजिशन इसमें ऐड किया गया, बाकी इसमें बहुत ही अजीब अजीब से नाम लिए गए हैं, मतलब मैंने कभी सुने नहीं, मतलब वैसे नहीं है, सारे साइंटिफिक नेम इसमें मेंशन किए गए हैं
और बाकी जो है इसमें जो बेस इसमें यूज़ किया गया है वो एलोवेरा का है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बिना डरे से लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी। फर्स्ट टाइम आप जब ज़्यादा अप्लाई करोगे तो आपको रब करके निकालना है। ठीक है, जैसे कि आपने नोज़ पे लगाया है, तो क्योंकि मेरे पहले जब मेरे पिगमेंटेशन हुई थी नोज़ पे तो मेरे इस साइड हुई थी, लेकिन इस साइड जाने के बाद मेरे इस साइड हुई, तो मैंने इससे ही लगाया, लेकिन इतना वक्त नहीं किया पिगमेंटेशन में। मैं बता दूँ उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही बढ़िया मैं एक फॉर्मूला लेके आ रही हूँ, इसे क्रीम के साथ होगा। और मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी, शायद एक महीना पहले बोली थी कि पिगमेंटेशन के लिए मैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो कि कोई भी अगर पिगमेंटेशन से परेशान है, अपने झाइयों से परेशान है, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो होगी। क्योंकि अगर पिगमेंटेशन आ जाए ना, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन रहता है, वो है लेजर ट्रीटमेंट। सिर्फ उसी से ही पिगमेंटेशन जा सकती है। क्रीम वगैरह लगा लगा के आप थक जाओगे, पिगमेंटेशन जाने का नाम नहीं लेती है। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप पे काम कर जाएँ, या फिर नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ऐसी कटते जाएगी और पिगमेंटेशन जो है आपके साथ ही चलते जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके, ठीक है, चाहे आपके कैसे भी स्कार्स हो, वो एक्ने स्कार्स हो या फिर आपके कोई जल गई हो आपकी त्वचा, तो वो एक वहाँ पे निशान छूट गया है, उस तरह के स्कार्स हो, या फिर आपको इंजरी हुई हो, और जो एंटी स्कार्स होते हैं ये सभी में काम करता है। तो बेसिक इसका पूरा जो फोकस है वो स्कार्स पे ही है। तो अगर किसी के फेस में भी स्कार्स हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। पहली चीज़ तो वही है मैंने बोली है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वो एकदम से रिजल्ट नहीं देगी। लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि सबसे पहले आपको लगाना है, फिर उसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा वेट करना है 1-2 घंटे के बाद, उसके बाद उसे थोड़ा सा रब करके निकाल देना। ठीक है, जैसे आपको लगे कि स्किन को पिल ऑफ कर रही है, लेकिन वो दरअसल ऐसा नहीं है, आपकी स्किन को पिल ऑफ नहीं करेगी वो जो है वो ये जो थेरेपी है वो रिमूव होगी। ठीक है, वो एक काम करेगा। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ करनी है। अगर आप डायरेक्ट एक लेयर लगा के सो जाते हैं तो आपको रिजल्ट ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले आपको लगाना है, उसके बाद वेट करना है उसके सूखने का, उसके बाद उसे रिमूव कर देना है हल्के हाथों से रब करके। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में आपको फिर से रीअप्लाई करना है, बहुत ही थिन लेयर लगा के सो जाना है, ये चीज़ आपको कर लेना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके पिगमेंटेशन लाइट होंगी। ठीक है, परमानेंट नहीं जाएंगी, मैं ये गारंटी नहीं दे सकती एकदम से, आपको बहुत ही लंबे समय तक इसे लगाना पड़ेगा तो मैं बोल सकती हूँ कि पिगमेंटेशन जा सकती है। क्योंकि पिगमेंटेशन भाई मैं क्या बताऊँ, पिगमेंटेशन से लोग इतने परेशान हैं ना, बहुत मेरे रोन में ही जितने लोग हैं पिगमेंटेशन अगर उनके फेस पर आ गई है वो जाने का नाम नहीं लेती है, इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी पिगमेंटेशन नहीं जाती है। अब आते हैं इसके रिजल्ट की। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ें स्कार्स पे काम करती है, आपके पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगी। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काफ़ी लंबे समय तक, कम से कम 2-3 महीने तक आपको इसे लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे पिगमेंटेशन में कि लाइट हो रही, क्योंकि पिगमेंटेशन बहुत ही एक जिद्दी धब्बा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्कार्स। ठीक है, कैसे भी स्कार्स हों वो लाइट होंगे, और जो मेथड मैंने बताया सिर्फ इसी मेथड से आपको लगाना है। एक चीज़ और है, स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग में इसका कोई भी रोल नहीं होगा, जो आपकी स्किन टोन है वही रहेगी, कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा कि आपकी त्वचा जो है वो थोड़ा गोरी हो रही है, ऐसी कुछ भी, इन अफवाहों से थोड़ा सा दूर रहें। क्योंकि ये चीज़ अगर किसी में होती है कि कोई स्किन वाइटनिंग का काम कर रही है, आपके स्किन टोन को इम्प्रूव कर रही है, तो मैं बता देती हूँ उसी टाइम ही, मैं उसका टाइटल भी लगा देती हूँ कि ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है और ये रिजल्ट देती है या नहीं देती है, ऑनेस्ट रिव्यू भी आपको पता चल जाता है। तो ये रहा मेरे इस थेरेपी का ऑनेस्ट रिव्यू कि ये स्कार्स वगैरह पे काम करेगी। आप बेशक इसे ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समय की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि स्किन वाइटनिंग का काम करती है, तो बिल्कुल भी नहीं, एक्ने पे कोई भी काम ये नहीं करेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और कई लोग हैं डार्क सर्कल पे, क्या हम लगा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आप लगा सकते इसको डार्क सर्कल पे, सोचना भी मत। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं डार्क सर्कल के लिए, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ डार्क सर्कल के प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल नहीं है, और अगर होते भी हैं तो वो इजीली चले जाते हैं। मैं अप्लाई करती हूँ घी, शुद्ध गाय का घी है, मतलब कि कोई भी जर्सी गाय नहीं है, कोई भी देसी वैसा घी नहीं है, सिर्फ गाय का ही घी मैं अप्लाई करती हूँ आँखों। तो इसलिए शायद मुझे कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई भी डार्क सर्कल के लिए कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं लगाती, तो मैं बिना लगाए उसका कैसे रिव्यू कर सकती हूँ, मैं उसके बारे में क्या बताऊँगी क्या नहीं बताऊँगी, ये इसके रिजल्ट मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं ऐसे रिव्यू कर दूँगी, मान लो मैंने बोल दिया इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, उसके बाद आप खोगे इसके रिजल्ट, जब आप उसे बाय करोगे और आप रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसके बाद क्या करोगे आप, मुझे ही अब्यूज़ करोगे ना। तो इसीलिए मैं ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यू नहीं करती हूँ जो मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। बाकी मेरे नोन में कोई ऐसा है नहीं कि किसी के डार्क सर्कल हो तो मैं उसे दे दूँ कि इसे ट्राई करके मुझे बता देना।